पर्वतसर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बिदिया चुनाव में सरपंच पद की 3 उम्मीदवारों में सबसे अधिक युवा और शिक्षित उम्मीदवार एडवोकेट श्रवण भुगोलिया है। यहां भी चुनाव प्रचार परवान पर है। कांग्रेस और भाजपा समर्थक विचारधारा के चलते श्रवण राम भाजपा के युवा मोर्चा के अग्रिम संगठन के नेता है। शिक्षक युवा और मार्बल व्यापार से जुड़े हुए हैं। गौशाला के पदाधिकारी वहीं सामाजिक संगठनों में भी विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। बिदिया पर्वतसर तहसील का प्रमुख राजनीतिक गढ़ है, जहां गुर्जर समाज में नेता पूर्व सरपंच जयराम गुर्जर का श्रवण भुगोलिया को पूर्ण समर्थन प्राप्त है। ऐसे में राजनीतिक दृष्टि से भाजपा वोटरों का 100% फायदा इन्हें मिलता दिखाई दे रहा है। भुगोलिया समर्थकों ने चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। वहीं कोरोना को देखते हुए समर्थक सरकारी गाइडलाइन की पूर्ण पालना कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान मास्क एवं सैनिटाइजर साथ रखते हैं एवं आमजन को मतदान की अपील करने के साथ साथ कोरोना जैसी भयावह बीमारी से बचाव के लिए आमजन को जागरूक भी कर रहे हैं। चुनाव प्रचार अभियान के तहत श्रवण भुगोलिया समर्थकों ने पोस्टर और पैम्पलेट्स का विमोचन किया। भुगोलिया ने कहा कि जनता के हक और अधिकारों के प्रति सदैव जागरूक रही है। सरपंच पद की जिम्मेदारी मिलती है तो वह बिदियाद ग्राम पंचायत को आधुनिक एवं आदर्श ग्राम पंचायत बनाना उनका लक्ष्य है। पूर्व सरपंच जयराम गुर्जर ने कहा कि सरपंच का पद ग्राम पंचायत का एक संवैधानिक पद है तथा इस पद पर रहते हुए उसे कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ते हैं। शिक्षक प्रतिनिधि ही समाज को उन्नति को गति प्रदान कर सकता है। यदि सरपंच शिक्षित नहीं होगा तो वो ग्राम पंचायत के कार्यों को सुचारू रूप से व्यवस्थित नहीं रख सकेगा। इस मौके पर ओम प्रकाश सांखला, बंशीलाल भुगोलिया, मनफूल दास, सीताराम पवार, लक्ष्मण राम माली, नेनू राम बावरी, बाबूलाल सेनी, सुनील जोशी, मदन भुगोलिया, भवनलाल प्रजापत, राधेश्याम सेन, भेरूलाल दमामी, वंशी गुजर, आनंद खटीक, अशोक विमल सेनी सहित सर्व समाज जाति के अनेक प्रबुद्ध जन उपस्थित थे।